हमने देखा है ना, जब कैबिनेट मीटिंग होती है तो एक पक्ष को उल्टी आती है अजीत पवार जी का पक्ष देखकर। अजीत पवार को दिक्कत होती है क्या शिंदे के लोग बोल रहे हैं, साथ ही साथ अमित शाह जी आकर उनसे क्या कहते हैं, फिर ये कहते हैं कि हमें कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं चाहिए। अरे पहले अपने घर को ऑर्डर में लाए, इनकी तरह नहीं काम करेंगे कि एक तरफ कोई कहे हमें उल्टी आती है, हमें घिन आती है, चेहरा देखने से होता है, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, और अमित शाह आकर कुछ और फरमान देकर जाए। दिल्ली के दरबार में फरमान होते थे और ये लोग पूरा करते थे, उस तरीके का काम हो रहा है जो महाराष्ट्र की संस्कृति और संस्कार के खिलाफ है। ये महाझूठी गठबंधन जो युति हुई है सिर्फ सत्ता पाने के लिए हुई है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, गैर संवैधानिक सत्ताधारी जो महाराष्ट्र में बैठे हैं, जो इलीगैलिटी से बैठे हैं, उनसे पूछिए उनका हो गया है, कौन किस पे प्रेशर बांध रहा है। वो तो सामने दिख रहा है ना, जो कैबिनेट मीटिंग होती है तो एक पक्ष को उल्टी आती है अजीत पवार जी का पक्ष देखकर। अजीत पवार को दिक्कत होती है क्या शिंदे के लोग बोल रहे हैं, साथ ही साथ अमित शाह जी आकर उनसे क्या कहते हैं, फिर ये कहते हैं कि हमें कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं चाहिए। अरे पहले अपने घर को ऑर्डर में लाएं, फिर दूसरों की बात करें। और रही हमारी बात, महाविकास आघाड़ी की सीट डिस्कशन चालू है, जारी है, पॉजिटिव वे में चल रहा है, 90% से ज्यादा डिसीजन हो चुका है, 10% की बारी है, वो भी हम लोग आपस में सुलट लेंगे। पर इनकी तरह नहीं काम करेंगे कि एक तरफ कोई कहे हमें उल्टी आती है, हमें घिन आती है, चेहरा देखने से होता है, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, और अमित शाह आकर कुछ और फरमान देकर जाए, तो उस तरीके का तो माहौल हमारे में नहीं है। महायुति एक तरफ जो है विरोधों पर आरोप लगा रही है, लेकिन महायुति के जो नेता है वो बार बार दिल्ली के चक्कर काटते हुए दिख रहे, लगातार दिल्ली में बैठक शुरू है, किस तरीके से? मैं यही कहूंगी, युति सिर्फ दिल्ली के दरबारियों की तरह, जैसे दिल्ली के दरबार में फरमान होते थे और ये लोग पूरा करते थे, उस तरीके का काम हो रहा है जो महाराष्ट्र की संस्कृति और संस्कार के खिलाफ है। ये महाझूठी गठबंधन जो युति हुई है सिर्फ सत्ता पाने के लिए हुई है। तो तीनों में किसी में आपस में तालमेल नहीं है, ना सीट को लेकर, ना सीट एलोकेशन को लेकर, ना कैंडिडेट्स को लेकर। इसलिए बार बार वो दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है दिल्ली से जो अमित शाह जी कहेंगे, बाकी दो पक्ष जो टूटे हुए पक्ष हैं वो भी मान्यता देंगे और काम उस आधार पर करेंगे। पर सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र की जनता इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है। लोकसभा चुनाव तो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, और महाविकास आघाड़ी की ब्लॉकबस्टर पिक्चर हिट होने वाली है, और हम लोग सरकार बना रहे हैं।